सत्संग के यह वचन हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी द्वारा फरमाए गए सत्संग के हिंदी अनुवाद पर आधारित हैं। सत्संग के वचन श्री राग महला चौथा। नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नामे त्रिग जीवास। यह चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी का शब्द है। आप फरमाते हैं, अगर कहीं शांति है तो नाम में है। करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों की बादशाहत मिल जाने पर भी शांति नहीं आती। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जितना भी दुनिया का सामान है इसमें शांति नहीं, अगर है भी तो कुछ ही मिनटों के लिए। जो सच्ची शांति है वो मनुष्य के अंदर है और पर्दा खोलकर अंदर जाए बगैर नहीं मिलती। शांति नाम में है। अगर बाहर शांति होती तो जितने पढ़े लिखे विद्वान और वैज्ञानिक हैं उन्हें मिलनी चाहिए थी। वो पढ़ाई रूहानियत में मददगार साबित नहीं होती। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले मैं दसे प्रभ गुणतास। श्री गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि शांति नाम में है, खुशी नाम में है, तसल्ली नाम में है। बिना नाम जपे जैसे कुत्ते बिल्ले पेट भरकर चले गए वैसे मनुष्य भी चला गया, अपना जन्म बर्बाद कर गया। अगर मनुष्य जन्म पाकर भी इसने नाम की कमाई नहीं की तो इसको धिक्कार है। गुरु साहब प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, तू मुझ पर कृपा करके किसी गुरुमुख महात्मा संत सतगुरु सचखंड जाने वाले से मिला दे, ताकि वो मुझे तेरे प्रेम और प्यार की अवस्था समझा दे। हो तिस विटो चौखनिये मैं नाम करे प्रगास। कहते हैं कि जो महात्मा मुझे नाम दे मैं उस पर तन मन धन न्योछावर करने को तैयार हूं, मैं उस पर बार बार कुर्बान जाता हूं। मेरे प्रीत मां हो जीवा नाम ते आए, बिन नाम जीवन ना थिए, मेरे सतगुर नाम दृढ़ाए। कहते हैं, हे परमात्मा, नाम के बिना मैं जी नहीं सकता। मैं चाहता हूं सारी उम्र तेरा नाम जपता रहूं। हे सतगुरु, तू मुझे नाम दे ताकि मैं नाम जपकर तेरे साथ मिल जाऊं, तेरी सेवा करूं। अब बताओ, अगर नाम लफ्ज हो तो किताबें उनसे भरी पड़ी हैं, गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? नाम ना गुरुमुखी है, ना अरबी, ना फारसी, ना संस्कृत। वो लिखने पढ़ने या बोलने में नहीं आता। मिलता कब है? जब 9 दरवाजों को छोड़कर ऊपर चढ़े। अगर यूं ही मिल जाता तो गुरु अमरदास जी वृद्धावस्था में 12 साल पानी क्यों ढोते? अन्य महात्मा इतनी मेहनत क्यों करते? नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुर पास। सतगुरु सेवे लगया
काढ रतन देवै परगास। कहते हैं कि नाम अनमोल दौलत है, लेकिन वो पूर्ण गुरु या कामिल मुर्शिद के पास है। सारा ग्रंथ साहब पढ़कर देख लो, इसमें पूरे गुरु की महिमा है। नाम की दौलत से बढ़कर और कोई दौलत नहीं है। दुनिया में गुरु बहुतेरे हैं, इसलिए दुनिया गुरुडम से नफरत करती है। लेकिन असलियत तो ये है कि बिन गुरु दाते कोए ना पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए। जब तक पूरा गुरु ना मिले, नाम नहीं मिलता। पूर्ण गुरु हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं, लेकिन बड़े भाग्य से मिलते हैं। आनंद साहिब में आप रोज पढ़ते हैं, गुरु अमरदास जी कहते हैं, तुर कर्म पाया तुद जिनको सी नाम हर के लागे, कहे नानक तह सुख होआ तित कर अनहद वाजे। धुर दरगाह से जिसे मालिक देना चाहता है उसको यकीन आता है, उसके अंदर वो अनहद शब्द बजता है। ये बाहर ही बाहर रहा, खाली आया और खाली चला गया, उसके साथ रूह को ना जोड़ा। वह दौलत संत हमारे लिए लेकर आते हैं, लेकिन हम उनके साथ क्या सुलूक करते हैं? हम कहते हैं कि आप नाम या सच का उपदेश ही क्यों देते हो? हजरत मोहम्मद का दांत तोड़ा, हजरत ईसा को सूली पर चढ़ा दिया, गुरु तेग बहादुर जी का सिर दिल्ली के चांदनी चौक में उतार दिया, गुरु अर्जुन देव जी को तपते तवे पर बैठाया, गुरु नानक देव जी को कैद कर दिया, छठी पातशाही गुरु हर गोबिंद सिंह जी को ग्वालियर के किले में बंद रखा, फिर घर के भाई पृथ्वी चंद ने बादशाह को गुरु अर्जुन देव जी के खिलाफ कह कहकर शोर मचा दिया। वे हमें इस भवसागर से निकालने के लिए आते हैं, लेकिन हम उन्हें दुख देते हैं। वो काल भगवान अपने दूतों को संतों के साथ ही भेज देता है, यानी जहां रहमान है वहीं शैतान भी आ जाता है। अगर सतगुरु की सेवा करें तो नाम रूपी रत्न मिलता है, मगर यहां एक और बात है कि सतगुरु ना तन लेता है, ना मन लेता है, ना धन। सतगुरु जिस सेवा से खुश होता है वो और ही है। वो क्या है? वो है सूरत शब्द की कमाई, भजन सिमरन। सतगुरु तो जीव को सचखंड ले जाना चाहता है। वो जब नाम देता है तब कहता है कि इन नौ दरवाजों को छोड़ दे। संत जब तक देह में है तब तक ये नहीं कहते कि हम गुरु हैं। गुरु अर्जुन देव जी ने कहां कहा है कि मैं गुरु हूं? बल्कि आप कहते हैं, कह नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। गुरु गोबिंद सिंह जी भी कहते हैं, मैं हो परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। संत कहते हैं कि मुझे बड़ा भाई समझ ले, दोस्त समझ ले, जब अंदर चढ़ेगा तो जो मर्जी हो कह लेना, तब कह सकते हैं। सतगुरु की शिक्षा क्या है? नौ दरवाजे छोड़कर आंखों के ऊपर चढ़ो, आगे सतगुरु खड़ा है। इस भक्ति के बराबर कोई सेवा नहीं। राजा महाराजा बेशुमार दान पुण्य करते हैं, क्या उनकी सेवा इससे बढ़कर है? नहीं, हरगिज नहीं। मगर जब ये सतगुरु के आदेश के अनुसार सूरत शब्द की सेवा करे तो गुरु हर वक्त साथ रहेगा। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, गुरु मेरे संग सदा है नाले। आप इंग्लैंड जाओ, सतगुरु साथ है। अमेरिका जाओ, सतगुरु साथ है। अफ्रीका जाओ, सतगुरु साथ है। बंद कमरा है, रात का समय है, उसे याद करो, वो आपके सामने है, वो आपसे बातें करेगा। नाम संतों के पास है, लफ्ज नाम नहीं। अगर नाम लफ्ज हो तो एक चरखा कातने वाली लड़की भी दे सकती है। जिनकी आंतरिक आंख खुली है वे सतगुरु की कद्र जानते हैं, जिनकी आंख बंद है वे क्या जाने कि सतगुरु किस हस्ती का नाम है। हजरत ईसा को जब सूली पर चढ़ा दिया तो आपने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। कई आदमी आते हैं और कहते हैं कि मुझे नाम लिए हुए 20 साल हो गए, अंदर प्रकाश नहीं हुआ। अगर अंदर नहीं गए तो प्रकाश कैसे हो? अगर बीमार डॉक्टर से दवा लाकर आले में रख छोड़े
तो बीमारी किस प्रकार जाए? जब तक नाम की कमाई नहीं करो, अंदर पर्दा नहीं खुलता, शब्द प्रकट नहीं होता, आत्मा परमात्मा के साथ नहीं मिल सकती। तन वडभागी वडभागिया जो आए मिले गुरपास। अब श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं, वे धन्य हैं जिन्होंने सतगुरु की शरण में आकर नाम की कमाई की है। जिन्ना सतगुर पुरख ना पेटे ओ से पागहीन वस काल। कहते हैं जिनको मनुष्य जन्म पाकर सतगुरु नहीं मिला, उनके बड़े ही खोटे भाग्य हैं। जब मौत आएगी तो वे कहां जाएंगे? उनको यमदूत लेने के लिए आएंगे। अगर शिष्य नाम की कमाई करे तो गुरु साहब का ये वाक्य पलट नहीं सकता, अफरेओ जम मारिया ना जाई, गुर के शब्दे नेड़ ना आई, शब्द सुने ता दूरों भागे, मत मारे हर जियो वे परवाहा है। नाम की कमाई करने वाले के पास यमदूत नहीं आते, सतगुरु आएगा। अगर नाम की कमाई नहीं की तो सतगुरु आए या ना आए, ये उसकी मौज है, ये उसका बड़प्पन है, ये उसकी महानता है कि वो आ जाता है। आप प्रेमी सत्संगियों को मरते देखो, सतगुरु आता है और साथ ले जाता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नानक जिनको सतगुरु मिलया तिनका लेखा निबड़या। वे फिर जोन पवाइए विच विष्टा कर विकराल। कहते हैं जिनको पूरा गुरु नहीं मिला, पंच शब्द का मार्ग नहीं मिला, वे बार बार जन्म लेंगे और मरेंगे, वे गंदी गंदी योनियों में जाएंगे। ग्रंथ साहब का पन्ना पन्ना तुक तुक शब्द की महिमा करता है, जगह जगह शब्द की महिमा है। हाँ, अगर उल्लू सूरज को ना देखे तो सूरज का कुसूर नहीं, इसी तरह अगर कोई विचार ना करे तो गुरु साहब का कुसूर नहीं। उना पास दुआस ना पिटिए जिन अंतर क्रोध चंडाल। अब श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि जिनके अंदर क्रोध है, पक्षपात है, वे निंदक हैं, वे झूठे इल्जाम लगाने वाले हैं, उनके पास बैठना ही नहीं चाहिए और उनकी बात भी नहीं सुननी चाहिए। अगर चौके में कोई गंदगी साफ करने वाला आ जाए तो लोग रोटी नहीं खाते, इसी तरह जिस हृदय में क्रोध है वहां शांति कहां। सतगुर पुरख अमृत सर वड भागी नावह आए उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए। अब इसमें राज क्या है? हर एक इंसान के अंदर, चाहे वो किसी भी कौम या मजहब का क्यों ना हो, अमृत बरसता है। ना सतगुरु मिला, ना पर्दा खोला, ना अमृत पिया। जो मनुष्य सतगुरु से नाम लेकर कमाई करेगा, सतगुरु उसे पार ब्रह्म में ले जाएगा, जो वहां पहुंचेगा अमृत पिएगा। गुरु अमरदास जी कहते हैं, काया अंदर अमृतसर साचा,
मन पीवे पाए सुबाई है। सच्चा अमृतसर काया के अंदर है। सारे ब्रह्मांड में पापों को उतारने की केवल एक ही दवा है। वो क्या है? गुरु अर्जुन देव जी बताते हैं, सर्व रोग का औखद नाम। तीर्थ, जप तप, पढ़ने पढ़ाने में मुक्ति नहीं है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लिखे इक गल और होमै चखना चाख। पढ़ना बुरा नहीं है, जब तक अंदर पर्दा नहीं खुलता मैं पढ़ने को मना नहीं करता, मगर पढ़ना ही मकसद नहीं है। पढ़ने का फल क्या है? अंदर पर्दा खोलना। अगर पर्दा ना खोला तो पढ़ने का क्या फायदा? नाम ही है जो जन्मों जन्मों के मैल को दूर करता है। जन नानक उत्तम पद पाया, सतगुर की लेव लाए। अब श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि हम सतगुरु की शरण में गए, उनके साथ प्यार किया, उन्होंने हमें नाम दे दिया, जिसके अभ्यास के द्वारा हमारी रूह अकाल पुरुष से मिल गई। उन जन्म जन्म की मैल उतरे, निर्मल नाम दृढ़ाए। जन नानक उत्तम पद पाया, सतगुर की लेव लाए। राग सोरठ महला पहला। जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जीओ। सोचो गुरु नानक साहब क्या कहते हैं। वे होका देकर कहते हैं कि प्यारो, तुम इस संसार में मनुष्य जन्म लेकर किस लिए आए हो? फिर आप ही जवाब देते हैं कि अंदर चढ़कर पर्दा खोलकर अमृत पीने के लिए। जब तुम उस अमृत को पियोगे तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। वो अमृत बगैर गुरु के नहीं मिलता। जब कोई गुरु मिले, वो अंदर जाने का रास्ता बताए, तब तुम उस अमृत को पी सकते हो। नहीं तो ये जीव सोता आया और सोता ही चला गया। अब गुरु साहब कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अमृत है, किसी गुरु के पास जाओ ताकि वो तुम्हें राह बताए और तुम अमृत पीकर अमर हो जाओ। छोड़ो वेश पेख चतुराई, दुविधा एहो फल नाही जीओ। गुरु साहब कहते हैं कि सच्चा हृदय यानी सच्चा दिल, सच्ची मोहब्बत और सच्चा प्यार लेकर अंदर जाओ। अगर दुविधा रखोगे वो अमृत नहीं मिलेगा। जब पूरा प्रेम पूरा इश्क लेकर जाओगे तुम्हारा पर्दा खुल जाएगा। बाकी चतुराई छोड़ दो, वेश और भेष का आसरा छोड़ दो। अगर इनमें से कोई भी चीज अंदर है तो भ्रम नहीं मिटता और ना पर्दा ही खुलता है। मन रे थिर रहो, मत कत जाही जीओ। अब अमृत तो सबके अंदर है, मगर मन हमें अंदर नहीं जाने देता। मन ही हमारा दुश्मन है,
अब कहते हैं कि ए मन, तू अंदर खड़ा होकर अमृत का रस ले। मन कोई छोटी चीज नहीं, बल्कि ब्रह्म का अंश है। ये भी अपने घर से भूला हुआ है और रूह भी अपने घर से भूली हुई है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि हे मन, तू कहीं ना जा, अंदर बैठ और अमृत पी। कत या कित एक ही बात है। हे मन, तू बाहर जाना छोड़ दे और अंदर बैठकर नाम की लज्जत ले। बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, कर अमृत कट माही जीयो। ए भले मानस मन, करोड़ों युग हो गए तुझे आंखों से बाहर बैठे हुए, कुछ मिला? कुछ नहीं। अगर तू बाहर से अंदर आ जाए तो अमृत पी ले, क्यों बाहर रहकर दुखी हो रहा है? ग्रंथ साहब का एक एक शब्द कलेजे को बींधने वाला है। सो कहते हैं, हे मन, तेरे अंदर अमृत है, जो तेरी चीज है, परमात्मा ने तेरे लिए ही रखी हुई है, क्यों अंदर नहीं जाता? मगर इसकी बुरी आदत, बुरी सोहबत इसे अंदर जाने नहीं देती। अवगुण छोड़ गुणा को तावो, कर अवगुण पछताही जीयो। मन विषय विकारों का आशिक है, गंदे गंदे भोगों का आशिक है। कहते हैं, हे मन, तू इन्हें छोड़ दे, यानी अवगुण छोड़कर गुण ले ले। अगर अवगुण हो गए तो माफी मांग ले और पछतावा कर। जो सामान यानी परमात्मा अमृत है, तेरे अंदर है। अगर तू गुणों को धारण करेगा, तुझे मिल जाएगा। अगर हम इसी तुक अवगुण छोड़ गुणा को तावो, कर अवगुण पछताई जियो पर अमल करें, तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। सर अपसर की सार न जाने, फिर कीच बुढ़ाही जीयो। कहते हैं कि ए मूर्ख मन, तुझे भले बुरे की खबर नहीं, तू बार बार कीचड़ में फंसता है। तेरे अंदर बेशुमार खंड ब्रह्मांड हैं, ब्रह्म पार ब्रह्म है। तू अपने घर से भूला हुआ है, अंदर आ और अपने नफे नुकसान को तो समझ। अंतर मैल लोभ बहु चूठे, बाहर ना वो काही जीयो। कहते हैं, तेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, बुरी बुरी आदतें हैं, चोरियां, ठगियां, बदकारियां भरी हुई हैं और बाहर तीर्थों पर नहाता फिरता है। पानी में ताकत नहीं कि पापों की मैल उतार सके। गुरु नानक साहब कहते हैं, तीर्थ नावन जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। अगर कोई सच्चा तीर्थ है तो तुम्हारे अंदर है, जो पापों की मैल उतार सकता है। कहते हैं, बाहर तीर्थों पर टक्करे ना मारो, अंदर आओ और सच्चे तीर्थ में स्नान करके पापों की मैल उतार लो। निर्मल नाम जपो सद गुर मुख, अंतर की गत ताही जीयो। अब श्री गुरु नानक साहब होका देते हैं कि तुम्हारे अंदर वह नाम, वह निर्मल तीर्थ है। जब अंदर जाकर उसमें स्नान करोगे, जन्मों जन्मों के पाप उतर जाएंगे। कहते हैं, जब तुम किसी गुरुमुख से नाम लेकर उसकी कमाई करके गुरुमुख बन जाओगे,
तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाएंगे, अंतर्गति हो जाएगी, रूह सचखंड पहुंच जाएगी। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो, सच गुर बचनी फल पाही जीओ। अब कहते हैं, दुनिया की बुरी हैबिट्स यानी आदतें, विश्व विकारों की लज्जतें छोड़ दो, काम क्रोध लोभ और निंदा छोड़ दो। फिर कहते हैं कि अगर सतगुरु के हुक्म के मुताबिक ये चीजें छोड़कर अंदर चढ़ोगे, पर्दा खोलोगे, तो तुम्हें नाम मिल जाएगा, फिर तुम निर्मल होकर परमात्मा के देश में पहुंच जाओगे। ज्यों पावे त्यों राखो हर जियो, जन नानक शब्द सलाही जियो। अब सब कुछ कहकर प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, तू मुझे अमीर रख, गरीब रख, नंगा रख, भूखा रख, मतलब कि जो तेरी मर्जी है कर, मगर मेरी सूरत शब्द के साथ जुड़ी रहे। शब्द की कमाई, शब्द की सराहना, ये मुझसे कभी ना बिसरे। पर हर लोभ निंदा, पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो, सच गुर बचनी फल पाही जीओ। ज्यों पावे त्यों राखो हर जियो, जन नानक शब्द सलाही जियो।